क्या आपने बहुत पुराने सड़े हुए ओल्ड कार्स कहीं पड़े हुए देखे हैं? आपने उस पर रेडिश ब्राउन स्पॉट्स और कई जगहों में फ्लेकिंग देखी होगी। या क्या वो यूटेंसिल्स याद है जिन पर ब्राउन पैचेस आ जाते हैं? जिस फेनोमेन के कारण ये मेटल डैमेज हुआ है और ये स्पॉट्स आ गए हैं उसको तो आप जानते ही हैं। यस, रस्टिंग। ये वो प्रोसेस जहां आयन जब दोनों वाटर और ऑक्सीजन में एक्सपोज होता है तो हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड या रस्ट फॉर्म करता है। सारे वर्ल्ड में जितने भी आयन के बने ब्रिजेस और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो सब ही रस्टिंग से अफेक्टेड है और ये फिनोमिनन हर साल वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी धक्का पहुंचाता है। ये ग्लोबली अप टू $1 trillion लॉस का कारण है। तो इसका मतलब आयन जैसे मेटल्स को ऑक्सीजन और वाटर जैसे सब्सटेंसेस अफेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे मेटल्स का क्या ये भी अफेक्टेड होते हैं? जैसे वर्ल्ड में डिफरेंट लोग होते हैं, कुछ काम तो कुछ ज़्यादा ही एनिमेटेड, मेटल्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, कुछ ऑक्सीजन और वाटर जैसे सब्सटेंसेस से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और दूसरे नहीं भी होते हैं। ये जानने के लिए डिफरेंट मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये मेटल्स ऑक्सीजन और वाटर से अफेक्टेड होते हैं। हम मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ के रिएक्शंस से शुरू कर सकते हैं। एक पॉपुलर मेटल से शुरू करते हैं, कॉपर, जिसे घर और इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इस मेटल को अगर ज़्यादा देर तक बाहर रखे तो इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कॉपर ऑक्सीजन से इजीली अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें तो आप चेंज देखेंगे। ये चेंज कॉपर के सरफेस पर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में दिखता है। रिएक्शन को कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉपर जनरली तो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हाई टेंपरेचर्स में ये रिएक्ट कर जाता है। यही सेम चीज़ आयन मेटल के साथ होती है, ये सिर्फ बहुत हाई टेंपरेचर पे ही ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये इंटरेस्टिंग है, पर फिर ये मेटल रस्ट कैसे करता है? सोचते रहिए, हम इस पर वापस आएंगे। ये था कॉपर और आयन के बारे में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। घर में मैग्नीशियम वेसल्स मिलना अनलाइकली है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है और सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को हीट करें तो ये डैजलिंग वाइट फ्लेम से बर्न करेगा। अब अगर सोडियम मेटल को स्टडी करें, आप पाएंगे ये मैग्नीशियम से भी जल्दी रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसे ओपन में स्टोर करना डेंजरस है, तो मेटल्स जैसे सोडियम को हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है। तो हमने देख लिया कि डिफरेंट मेटल्स ऑक्सीजन के साथ करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स देते हैं, सभी डिफरेंट रेट्स पे रिएक्ट करते हैं। अब हम मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के जनरल इक्वेशन पर आते हैं, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। और मेटल और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन से फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश लेंगे जो मैग्नीशियम को बर्न करने से मिलती है और उसमें वाटर ऐड करते हैं। फिर उसे रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। हम देखेंगे रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। हमें पता है बेसिक सब्सटेंसेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक है। इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स नेचर से बेसिक होते हैं। ये था मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। पर दूसरे कॉमन रिएजेंट जैसे वाटर के साथ मेटल के रिएक्शन का क्या? अगर आप कॉपर को वाटर में एक्सपोज करेंगे, आप उसके अपीयरेंस में हार्डली कोई चेंजेस देखेंगे। इसका मतलब कॉपर वाटर से अफेक्टेड नहीं होता है। आयन जैसा मेटल भी सिर्फ पानी से रिएक्ट नहीं करता है,
लेकिन ये हाई टेम्परेचर में पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। हाई टेम्परेचर में ये रिएक्ट करके आयन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम जैसे मेटल ले तो वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। दूसरी तरफ अगर आप सोडियम जैसे मेटल लोगे, ये वाटर में रेडीली बर्न होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है। ये दिखाता है कि सोडियम वाटर के साथ मैग्नीशियम, आयन या कॉपर से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। इस पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके वेरियस प्रोडक्ट्स देते हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड है या मेटल ऑक्साइड होना डिपेंड करता है मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन पे। बट वेट अ मिनट, हमने सेशन शुरू किया था एक बहुत ही अनोइंग रिएक्शन के बारे में बात करके, रस्टिंग। अगर सिर्फ पानी के साथ आयन इजीली रिएक्ट नहीं करता है तो ये रस्ट कैसे होता है? वेल, आयन ऑक्सीजन और वाटर दोनों के प्रेजेंस में ही रस्ट करता है और दोनों ही मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट होते हैं। इवन इफ उनमें से एक फैक्टर भी एब्सेंट हो, आयन रस्ट नहीं करता। सेम कॉपर के साथ होता है, अनलेस ऑक्सीजन और वाटर दोनों एक साथ प्रेजेंट है, मेटल अफेक्टेड नहीं होता है। लेकिन मॉइस्ट एयर में ज़्यादा देर तक एक्सपोजर होने से उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाता है, जिसे वर डिग्री कहते हैं। ये ग्रीन मटेरियल कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिक्सचर है। कॉपर का मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन कुछ ऐसा है। ये था मेटल्स का ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन। अब उनके फ्रेंड्स का क्या, यानी कि नॉन मेटल्स? वेल, नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हालांकि ये एयर में होने वाले ऑक्सीजन से काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझने के लिए सल्फर कंसिडर करते हैं। अगर हम सल्फर को टेस्ट ट्यूब में लेके उसे हीट करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। वैसे ही नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब अगर हमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन से प्रोड्यूस हुए नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर समझना है, तो ऐसा हम एक लिटमस पेपर लेके उसे वाटर में डिप करके और टेस्ट ट्यूब के क्लोज लेके कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व करेंगे रेड लिटमस रेड रहता है, वही ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं। इसका ये भी मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड नेचर से एसिडिक है, ये वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली नेचर से एसिडिक होते हैं। अब तक हमने देखा कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं? ये हम अपने आने वाले सेशंस में जानेंगे। अब रिकैप करते हैं जो हमने सीखा। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स नेचर से बेसिक होते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन भी रिलीज करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर से एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू सून।